हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए मेडिसिन रिव्यू के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के मेडिसिन रिव्यू के वीडियो में सिरप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो सिरप है इसका ब्रांड नेम है फ्लूकोल्ड। जी हां दोस्तों, वैलिक का ये प्रोडक्ट है, यानी कि वैलिक फार्मास्यूटिकल द्वारा इसको मार्केट किया जाता है। काफ़ी अच्छी मेडिसिन कंपनी है। 60 ml का आपको ये देखने को मिल जाता है। 60 ml का जो सिरप है, इसकी मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 66 रुपये, यानी कि 66 रुपये इस पर MRP मेंशन है। लगभग आपको 60 रुपये में इजीली आपके एरिया में सभी फार्मेसी स्टोर पर मिल जाता है। दोस्तों, मेन यूजेस की बात करें तो जैसा इसका कंपोजिशन है, पैरासीटामोल, फिनाइल फेरिन, क्लोरफेनिरमाइन, मैलेट, इसके अलावा सोडियम सिट्रेट। तो दोस्तों, मेनली यूज़ किया जाता है सर्दी वाली प्रॉब्लम में। जब भी आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को सर्दी, जुकाम, छींके आदि का आना, इस तरह की कंडीशन हो गई है, तो ये जो सिरप है, यानी कि जो एंटीपायरेटिक सिरप है, तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बुखार के साथ साथ कई बार जब बच्चों को सर्दी जुकाम लगातार रहता है, छींके आती हैं, आँखों से लगातार पानी निकलने लगता है, तो उस कंडीशन में फीवर को ठीक करने के लिए और सर्दी की कंडीशन को ठीक करने के लिए ये जो सिरप है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है और डॉक्टर्स की चॉइस मेडिसिन भी रहता है। इसके अलावा बहुत सारे यूजेज इसके रहते हैं। डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस बेस पर इसको अलग अलग कंडीशन में बच्चों के लिए एडवाइस करते हैं। दोस्तों, डोज़ की बात कर लेते हैं तो डोज सेक्शन में हमेशा आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही अपने बच्चे को डोज देंगे तो बेटर है। नॉर्मली जो डोज बच्चों में रहती है, 6 साल से लेकर के 8 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml सिरप को इस्तेमाल करने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। 5 ml सिरप सुबह तथा 5 ml सिरप शाम को खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल बच्चे को करा सकते हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, आपकी आपकी बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डोज की बात हुई, इस तरह से बात कर लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट की। जिस तरह से डोज को बच्चों को बताया गया है उसी तरह से डोज दें। इसके अलावा बच्चों को ओवरडोज ना दें, जैसे भी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उसी तरह से बच्चे को सिरप को पिलाना है। दोस्तों, बच्चे को इस्तेमाल कराने के बाद सिरप को कहीं ऊंची जगह, सेफ जगह पर रखना है, जिससे बच्चा खुद से इसको इस्तेमाल ना करे। तो गाइज़, आज का ये वीडियो था फ्लूकोल्ड सिरप के बारे में, जो कि मेनली बच्चों के लिए सर्दी बुखार के लिए सिरप होता है। काफ़ी अच्छा सिरप है और बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए ऐसी कंडीशन में काम करता है। तो आज का ये वीडियो था दोस्तों फ्लूकोल्ड सिरप का। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए मेडिसिन रिव्यू के वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, धन्यवाद।